गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस टुडे पर। मैं आपके सामने आज आया हूँ पॉलिटी की क्लास लेकर, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पॉलिटी में पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। क्या देखेंगे? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम लोग देख रहे थे अभी, प्रेसिडेंट हमारा चलेगा, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां या राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है ना, एक होती है शांतिकालीन शक्तियां, यानी कि पीस टाइम पावर, शांतिकालीन शक्तियां, यानी कि पावर ऑफ पीस टाइम, इसे हम लोग ये कहते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। नाम सुना होगा आप लोगों ने आपातकालीन शक्तियों के बारे में, हम लोगों ने चर्चा भी काफी करी है आपातकालीन शक्तियों के, कि तीन प्रकार के आपात होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। क्या कहते हैं? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि दो प्रकार की आपकी पावर है, एक तो शांतिकालीन शक्ति होती है और दूसरी आपातकालीन शक्ति होती है। शांतिकालीन शक्ति में क्या क्या बात आता है, जैसे इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का वीटो पावर है। वीटो पावर यानी जो कोई भी बिल आता है तो उसमें कैसे राष्ट्रपति मना करता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वीटो पावर क्या है। फिर हम लोग देखेंगे पार्डन, मतलब की जो ग्रैंड पार्डन यानी कि क्षमादान की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, और कितनी क्षमादान की शक्ति है, उसमें कॉम्यूट क्या है, लघुकरण क्या है, और भी कई सारे कैसी कैसी क्षमादान शक्तियां होती है। फिर इसके अंदर ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर यानी अध्यादेश की शक्ति क्या होती है, ये अध्यादेश क्या होता है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, इन सभी चीजों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देन हम लोग जब मूव करेंगे आपातकालीन पावर की या आपातकालीन इमरजेंसी पावर की, तो आप लोगों को पता है कि देयर इज थ्री इमरजेंसी पावर टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास तीन आपातकालीन शक्ति होती है, जिसमें कि एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, दैट इज आर्टिकल 352 में जिसकी चर्चा की गई है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन की, जो अभी हाल में आप देखते हैं काफी ज्यादा न्यूज में चलता रहता है, आज के देश में जो हमारी राजनीतिक स्थितियां हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसमें ये चीजें काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल, इसे ही कभी कभी गवर्नर रूल भी कहा जाता है, और इसकी चर्चा जो की गई है हमारे संविधान में, ये कहां पर? आर्टिकल 356 में। और एक आपात ऐसा है जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं लगाया गया है, उस आपात या उस इमरजेंसी का नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है। तो इन सभी की हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे शांतिकालीन शक्ति या पावर ऑफ पीस टाइम। राष्ट्रपति के शांतिकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला, आज हम लोग इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग इसको देखेंगे आपातकालीन शक्ति को, ठीक है ना। तो जब हम लोग शांतिकालीन शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है कौन सा पावर? फर्स्ट आता है वीटो पावर, वीटो पावर। अब आप लोगों को यह समझना है ना, हम लोगों की ये वीटो पावर होता क्या है, ठीक है ना। तो इस वीटो पावर की चर्चा देखिए, जो वीटो पावर है इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 111 में। ये चीज आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति, इसे हम लोग हिंदी में भी वीटो शक्ति ही कहते हैं, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? दैट इज इन आर्टिकल 111। अब हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज वीटो। ये जो वीटो वर्ड है, याद रखिएगा, सबसे पहली बात, इस वीटो वर्ड का मतलब ही होता है क्या करना? मना करना। क्या होता है इसका मतलब? इसका अर्थ ही होता है किसी चीज के लिए क्या करना? मना करना, ठीक है। अब समझते हैं इस वीटो पावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, जब भी कोई बिल यानी कि जब भी कोई विधेयक संसद में आता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि संसद जो है, संसद के कितने अंग हैं? संसद के तीन अंग हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा एंड क्या है? प्रेसिडेंट। कई बार हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, देयर इज थ्री पिलर ऑफ प्रेस, मतलब थ्री कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ये जो संसद है, संसद के तीन क्या है? अभिन्न अंग है, और इसी तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है। जब हम लोग बात करते हैं किसी भी
कानून जब कोई बनता है हमारे देश के अंदर, तो पहले भी चर्चा करी है कि कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है। और ये जो विधेयक है, ये विधेयक जो है वो या तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, देयर इज सम लिमिटेशंस की मनी बिल, जैसे हम लोग धन विधेयक की बात करते हैं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाया, सबसे पहले कहां लाया जाएगा, उसे लोकसभा में लाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति पर अगर इम्पीचमेंट लगाना है, कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के अगर ऊपर अगर महाभियोग लगाना है, तो उसके लिए जो विधेयक है वो पहले कहां लाया जाएगा, वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ बिल ऐसे हैं, जैसे सिविल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का गठन करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो विधेयक है वो कहां पर, राज्यसभा के अंदर सबसे पहले। तो ये कुछ लिमिटेशन है। जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के स्पेशल पावर्स की बात करेंगे, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है एंड राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है। अभी आपको सिंपल ये समझना है, कोई भी बिल, कोई भी जब कानून बनता है तो उसके लिए क्या लाया जाता है, उसके लिए विधेयक लाया जाता है। ध्यान से समझेंगे एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है। और इस विधेयक को जब लाया जाता है, तो इस विधेयक पर पहले क्या होती है, कई दिनों तक चर्चा होती है। जिस भी सदन में ये प्रस्तुत किया गया, चाहे वो निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी में लाया जाएगा, इसी में लाया जाएगा। वो कुछ बिल है जिसके लिए मैंडेटरी होता है वो इसमें निम्न सदन में लाया जाए या अपर हाउस या राज्यसभा में लाया जाए या उच्च सदन में लाया जाए। सिंपली कोई एक जनरल बिल है तो वो कहां पर आएगा, वो दोनों में से किसी एक में आएगा। और जिस भी सदन में पहले लाया गया, जिस भी हाउस में पहले लाया गया, उस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, बहस होती है, और उसके बाद उस बिल को क्या किया जाता है, पारित कर यानी पास कर कहां भेज दिया जाता है, राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में भेजा जाता है या किसी दूसरे सदन में भेजा जाता है, जो भी दूसरा सदन है, चाहे इसमें पहले लाया गया होता तो कहां जाता, लोकसभा में, लोकसभा में पहले आया तो कहां जाएगा, राज्यसभा में। जब दोनों ही संसद के दोनों सदनों से वो बिल पारित हो जाता है, ठीक है ना, जब संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित हो जाता है, तब ये बिल जाता है किसके पास, तब ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, है ना। अब सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास क्यों जाएगा, याद रखिए कि राष्ट्रपति के पास जाता है वो बिल सहमति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही, राष्ट्रपति ही जब अपना सहमति देगा किसी भी बिल पर, तभी वो जाकर कानून बनेगा, अदरवाइज वो कानून नहीं बन सकता है। इस चीज को आप समझेंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जब तक किसी भी बिल पर अपनी सहमति नहीं देता, तब तक वो कानून नहीं। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई भी बिल पहुंचता है, तो राष्ट्रपति के पास, याद रखेंगे, देयर इज थ्री, राष्ट्रपति के पास क्या होगा, राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन होते हैं, समझिएगा इससे ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल पहुंचता है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति क्या करे, अपना एसेंट दे दे, यानी अपनी सहमति दे दे। और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी एक्ट, या वह क्या बन जाएगा, वह एक कानून बन जाएगा। क्लियर, ये सबसे पहला कंडीशन। फिर राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचा, राष्ट्रपति ने कहा ठीक है भैया मैं अपनी सहमति देता हूं, राष्ट्रपति ने अपना साइन किया और वो क्या बन गया, वो बिल जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट विल कन्वर्टेड इनटू एक्ट। दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वीटो करना। वीटो करना, वीटो करना का मतलब क्या होता है, मना कर देना। वीटो का मतलब क्या होता है, मना कर देना। राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं इस पर अपनी सहमति नहीं दूंगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वीटो पावर, कि वो अब कानून नहीं बनेगा। ठीक है ना, वीटो में भी जब हम लोग चलेंगे, अभी टाइप ऑफ वीटो देखेंगे, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, कई प्रकार के, टोटल चार प्रकार के वीटो होते हैं, उसकी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपको बस अभी इतना समझिए कि सहमति दिया तो वो क्या बन गया, कानून बन गया। वीटो दिया तो वीटो में अब कौन सा वीटो दिया है उस पर निर्भर करता है कि वो कानून बनेगा या नहीं बनेगा। तो वीटो में, लेकिन सिंपल सी वीटो का जो मतलब क्या होता है, वीटो का अर्थ होता है क्या कर देना, राष्ट्रपति ने यहां पर मना कर दिया है कि कानून अब उस पर नहीं बनेगा। ठीक है, अब तीसरा होता है ऑप्शन राष्ट्रपति के पास कि सेंड बैक फॉर रिकॉन्सिडरेशन। सेंड बैक फॉर रिकॉन्सिडरेशन यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजना,
पुनर्विचार के लिए क्या करना, वापस भेजना, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। दिस इज द थर्ड कंडीशन। तीसरा जो स्थिति होता है, तीसरा जो ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास, वो ये होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया और राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है, उस बिल को वापस भेजता है संसद के पास कि भाई साहब ये जो है आप इसे क्या कीजिए, इसमें कुछ चेंजेस कर दें, कुछ इसमें बदलाव कर दें और उसके बाद मैं इस पर सहमति दूंगा। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे, अगर इस कंडीशन में आप याद रखेंगे, अगर संसद संशोधन के साथ, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, या बिना संशोधन के यानी अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट, बिना संशोधन के विधेयक को वापस भेजता है, विधेयक को वापस भेजता है, तो राष्ट्रपति को सहमति देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, राष्ट्रपति ने अगर क्या किया, एक बार उसे वापस भेज दिया किसी बिल को रिकमेंडेशन, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए संसद के पास, और अगर संसद ने उसमें कुछ चेंज किए या बिना कुछ चेंज किए, यानी कि कोई संशोधन किए या बिना कोई संशोधन किए, अगर फिर से उसे राष्ट्रपति, मतलब कि संसद से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति को उस विधेयक पर मंजूरी देना फिर क्या हो जाता है, दैट इज मैंडेटरी। राष्ट्रपति उस पर फिर वीटो नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति फिर उस पर जो है अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता, उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि वीटो पावर क्या होता है, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब भी कोई बिल हो, बिल जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पारित होकर पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास थ्री ऑप्शन होते हैं, एक तो सहमति दे देगा, सहमति दे देगा तो कानून बन जाएगा, अगर वीटो पावर लगा देगा राष्ट्रपति तो मतलब मना कर देगा तो उसे क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन होता है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, अगर लेकिन वही विधेयक पुनर्विचार मतलब कि बिना संशोधन या संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस आएगा तो उस पर क्या होता है, उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वीटो के टाइप की, ये वीटो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या वीटो के कंडीशन है और यहां से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, आप लोग जल्दी से इसका आप चित्र ले लेंगे, बाकी हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दुविधा को, आपके डाउट को मैं दूर कर सकूं। ठीक है। ध्यान से चीजों को समझना है, ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वीटो की बात करें, याद रखेंगे देयर इज फोर टाइप ऑफ वीटो, चार प्रकार के वीटो पावर होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, क्या बोलते हैं जिसे, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। थर्ड वन इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। चौथे को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, पॉकेट वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, शायद इसे एब्सोल्यूट ही कहा जाता है। क्वालिफाइड को कहते हैं विशेषित वीटो कहते हैं, विशेषित बहुमत वीटो समथिंग इसे हिंदी में कहा जाता है, विशेषित बहुमत वीटो। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। और याद रखेंगे इसे दोस्तों हम लोग जेबी वीटो कहते हैं, पॉकेट का मतलब क्या होता है जेबी, और इसे कहा जाता है जेबी वीटो। ठीक। अब हमें यह समझना, व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो, व्हाट इज क्वालिफाइड वीटो, व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो एंड व्हाट इज पॉकेट वीटो, और इसमें क्या क्या चीजें हमारे देश के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक। इसके बारे में, एब्सोल्यूट वीटो के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो ओवररिडन है, ओवररिडन नॉट पॉसिबल, ओवररिडन नॉट पॉसिबल का मतलब क्या कि इसका उल्लंघन संभव नहीं है, इसका उल्लंघन क्या नहीं है, संभव नहीं है।
ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या कि अब उस पर फिर से आप कानून नहीं बना सकते, वो जो बिल था वो क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, अब उस पर आप किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर सकते अगर राष्ट्रपति ने किसी भी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाया है तो। क्लियर पॉइंट, ठीक। इसका यूज एक बार तो याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम ने 2005 में किया था, और एक बार वेंकट रमन साहब ने किया था, संसद के ही किसी मतलब संसद सदस्य के योग्यता संबंधित कुछ बिल था उस पर किया था, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां से आपका सवाल नहीं पूछा जाता है, इतना बाल का खाल नहीं निकालिए, जहां से सवाल पूछा जाएगा उसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक। जब क्वालिफाइड वीटो की बात करते हैं तो ये क्या है, विशेषित बहुमत वीटो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उल्लंघन दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है, इसका उल्लंघन दो तिहाई टू बाय थर्ड बहुमत से किया जा सकता है, टू बाय थर्ड बहुमत से किया जा सकता है, मतलब इसे क्या कहेंगे, ओवर रिडन पॉसिबल विथ टू बाई थर्ड मेजोरिटी, मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक के ऊपर ये क्वालिफाइड वीटो लगाया तो इसका मतलब क्या है, उस विधेयक को ये जो क्वालिफाइड वीटो विशेषित बहुमत वीटो लगा हुआ है जिस पर, उस बिल को अगर फिर से लोकसभा मतलब संसद में इंट्रोड्यूस कर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही टू बाय थर्ड मेजोरिटी से पास कर दे, टू बाय थर्ड मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दे, ठीक है ना, तो फिर मतलब टू बाय थर्ड मेजोरिटी से अगर पास कर दे तो वो क्या हो जाएगा, उस पर फिर कानून बन जाएगा, यानी कि इसका उल्लंघन संभव होगा बट कितने मेजोरिटी से होगा, टू बाय थर्ड मेजोरिटी से होगा। क्लियर ये चीज। अब हम लोग सब सस्पेंसिव वीटो की बात करते हैं तो याद रखेंगे इसका उल्लंघन भी संभव होता है, लेकिन इसका उल्लंघन कैसे संभव होता है, साधारण बहुमत से संभव होता है, इसका उल्लंघन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, यानी ये ओवर रिडन पॉसिबल बाय सिंपल मेजोरिटी या विद सिंपल मेजोरिटी, यानी जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इस विशेषित बहुमत के केस में क्या देखा कि यहां पर जो उल्लंघन अगर राष्ट्रपति ने किसी के ऊपर क्वालिफाइड वीटो लगाया है तो उसे अगर दो तिहाई बहुमत से संसद से पास कर दिया जाए तो उस पर कानून बन जाएगा, है ना, लेकिन यहां पर क्या है, सस्पेंसिव वीटो अगर राष्ट्रपति ने किसी पर लगाया है तो याद रखेंगे अगर किसी पर निलंबनकारी वीटो लगाया गया है तो उसका क्या हो सकता है, उसे आप याद रखेंगे कि सिंपल या साधारण बहुमत से पास कर उस पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए व्हाट इज जेबी वीटो, ये जेबी वीटो या ये पॉकेट वीटो क्या होता है, याद रखेंगे इसका मतलब सिंपल सा है, डिले इन असेंट का मतलब क्या, सहमति में देरी करना, यानी कि मान के चलिए राष्ट्रपति के पास गया कोई बिल गया और राष्ट्रपति का मन नहीं है, अभी वो कहता है नहीं अभी मेरा मन नहीं है, देते हैं सहमति देंगे एक आध महीने के बाद जब मेरा मन कर जाएगा तब देंगे, वो अपना लिया बिल को अपने पॉकेट में मतलब रख लिया नहीं अपना कहीं रख दिया कि अभी उसका मन नहीं है, वो उसमें कह रहा है कि सहमति देंगे, ना तो मना कर रहा है और ना ही वो सहमति दे रहा है ना, बस बीच में अधर में लटकाया हुआ है, ठीक है। ऐसा ये जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, आपसे कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि पॉकेट वीटो का, अब तक याद रखेंगे एक ही बार प्रयोग किया गया था, कब, पॉकेट वीटो का यूज किया था किसने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने, जब वो राष्ट्रपति थे इन्होंने 1986 में, है ना, भारतीय डाक संशोधन बिल था, एक इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल था, भारतीय डाक संशोधन बिल, उसमें इन्होंने क्या किया था, संशोधन विधेयक, उसमें इन्होंने इस जेबी वीटो का प्रयोग किया था, तो आपको यह याद रखना है, एक आपको यहां पर किस राष्ट्रपति ने किया था यह याद रखना है, और तीसरा आपको यहां पर किस बिल में किया गया था यह चीज याद रखना है, ये तीन सवाल आपके पॉकेट वीटो से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन चीजों का आप याद रखेंगे, कई बार यहां से सवाल बन चुके हैं, तो ये इतने प्रकार के वीटो होते हैं। अब यहां पर आपको समझना क्या है, देखिए एक्चुअल में होते तो ये चार प्रकार के वीटो हैं, लेकिन अब देखिए दो चीज को समझिए,
एक क्वालिफाइड वीटो है और एक सस्पेंसिव वीटो है। अगर किसी देश के अंदर ये सस्पेंसिव वीटो होगा तो क्या वहां पर इस क्वालिफाइड वीटो का कोई मतलब रह जाएगा क्या? मान के चलिए कहीं पर किसी राष्ट्रपति को ये सस्पेंसिव वीटो का पावर है कि वो वहां पर की मतलब सस्पेंसिव वीटो लगा देगा, तो सस्पेंसिव वीटो के बाद इस क्वालिफाइड वीटो का कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता है। और अगर क्वालिफाइड वीटो है किसी देश के अंदर तो क्या इस सस्पेंसिव वीटो का कोई मतलब रह जाता है? याद रखेंगे इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दो तिहाई बहुमत से हो रहा है, वो तो 50% से ज्यादा ही है। और यहां पर अगर सस्पेंसिव वीटो है कि 50% से ही अगर किसी का ओवररिडन पॉसिबल है तो इसका फिर कोई मतलब नहीं है, फिर 2/3 का कोई मतलब नहीं रह जाता। याद रखिए हमारे देश के अंदर कौन कौन से वीटो हैं राष्ट्रपति के पास, एक तो एब्सोल्यूट वीटो है, एक सस्पेंसिव वीटो है और एक पॉकेट वीटो है। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है वो कौन सी? वो ये तीनों दी गई है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये वीटो शक्ति नहीं है। लेकिन होती है जो वीटो पावर वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। आपसे यहां से जब देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल बनेगा, तो दे कैन आस्क कि विच टाइप ऑफ वीटो पावर इज नॉट गिवन टू इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनको किस प्रकार का वीटो शक्ति नहीं दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू चूज वन, तो आपको एक चुनना होगा। क्या होगा उसका जवाब? क्वालिफाइड वीटो, या जिसे हम लोग विशेषित बहुमत वीटो भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया सभी को? ये था दोस्तों क्या, ये था हमारा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पावर की जिसका नाम है शांतिकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसमें हम लोग दूसरे पावर की बात करते हैं जिसका नाम है पावर टू ग्रैंट पार्डन, यानी कि क्षमा दान की शक्ति। आप लोग को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना? पावर टू ग्रैंट पार्डन यानी कि क्षमा दान की शक्ति, है ना? क्षमा दान की शक्ति। अब क्षमा दान की शक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो क्षमा दान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? याद रखेंगे दिस इज बाय आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति के पास याद रखेंगे जो ग्रांट क्षमा दान की शक्ति है वो कितने प्रकार की है? देयर इज 5 टाइप ऑफ पार्डन टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमा दान शक्ति है, जिसमें सबसे पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्डन ही कहते हैं, सबसे पहला जिसे हिंदी में कहा जाता है सर्व क्षमा। दूसरा याद रखेंगे सेकेंड जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्यूट, कॉम्यूट या जिसे कहा जाता है हिंदी में लघुकरण, ये दूसरे प्रकार का क्षमादान शक्ति है। तीन सभी के क्या क्या कंडीशन है अभी इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा होता है रेमिशन कहते हैं। पांचवा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पांचवा जिसे कहा जाता है याद रखेंगे रेस्पाइट, रेस्पाइट या जिसे कहा जाता है विराम। और चौथा जो होता है उसे हम लोग विराम कहते हैं। और जो पांचवा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिप्राइव, रिप्राइव या जिसे हम लोग कहते हैं प्रविलंबन। क्या बोलता है? प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना? यहां पर याद रखेंगे सबसे पहला जो है, सबसे पहला का मतलब इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के सजा को या सभी प्रकार के दोषों को क्या करना, माफ करना, यानी कंप्लीटली एब्सॉल्व ऑफेंडर फ्रॉम, कंप्लीटली एब्सॉल्व ऑफेंडर फ्रॉम ऑल ऑफेंड, यानी कि दोषी को सभी प्रकार के दोषों से क्या कर देना, मुक्त कर देना। जो दोषी है दोषी को क्या करना, जितने भी प्रकार के दोषी के ऊपर जितने भी प्रकार के दोष लगाए गए हैं, जितने भी प्रकार के उस पर आरोप लगाए गए हैं, सभी प्रकार के दोषों से, आरोपों से यहां पर एक्चुअली होना चाहिए, दोषी को सभी प्रकार के आरोपों से क्या करना, मुक्त कर देना, है ना? यानी कि पूरा तरह से कंप्लीटली उसके ऊपर जो भी चार्जेस थे उन चार्जेस को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया, है ना? और वो फ्रीली मतलब छूट गया।
कॉम्यूट का मतलब क्या होता है यहां पर, कॉम्यूट यानी लघुकरण का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस, चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस, चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब यहां पर सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को क्या करना, बदलना। इस सजा की प्रकृति को बदलने का मतलब क्या है समझिएगा, यहां पर क्या था कि जो हमारा मान के चलिए दोषी था, दोषी को फांसी की सजा दी गई थी और भी कई सारे उसके ऊपर आरोप थे, तो मतलब यहां पर गया तो राष्ट्रपति के पास गया वो क्षमादान की शक्ति के लिए, राष्ट्रपति ने क्या किया उसको पार्डन कर दिया, यानी कि जितने भी प्रकार के दोष थे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया। अब दूसरा क्या है, मान के चलिए राष्ट्र किसी भी एक व्यक्ति है उसको फांसी की सजा मिली हुई है, फांसी की सजा मिली हुई मतलब कि डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि फांसी की सजा मिली और वो राष्ट्रपति के पास जाकर गुहार लगाता है, मालिक थोड़ा देख लीजिए हमको कुछ मतलब इसमें कमी हो सकता है तो कर दीजिए, पूरा अगर माफ होता है तो पूरा कर दीजिए, पूरा माफ करना होगा तो क्या पार्डन हो जाएगा, पूरा खत्म, उसके ऊपर सारे दोष मुक्त हो गए। और वो कहेगा मान के चलिए जाकर कि मालिक देखिए कुछ भी कम कर दीजिए इसमें, हमको जिंदा रहना है, फांसी पर मत लटकाइए। तो राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, जो भी उस जो पहले उस स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट होगा मतलब होम मिनिस्ट्री होगा उससे उसका सारा चिट्ठा मंगवाएगा, फिर उसकी पूरी जांच होगी, पूरा उसका जांच होता है, पूरा उसका वेरिफिकेशन होता है, और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं वाकई में इसका कम करना चाहिए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सेंटेंस टू डेथ था यानी कि जो फांसी की सजा थी उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी चेंज ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें कि इसका मतलब क्या, फांसी की सजा को किसमें बदलना, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना, सिंपल, फांसी की सजा को क्या करना, उम्र कैद में बदलना, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूट, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं लघुकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कहेगा कि सीधा मारना है, मारने की बजाय कहेगा नहीं मारना नहीं है, ऐसा करो एक हाथ काट दो या दो हाथ काट दो, ऐसा कहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेमिशन, रेमिशन का मतलब क्या होता है, रेमिशन का अर्थ होता है दोस्तों याद रखेंगे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सेंटेंस, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सेंटेंस का मतलब सजा की मात्रा कम करना का मतलब क्या है समझिएगा, यहां पर कि उम्र कैद को जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, यहां पर एग्जाम्पल में लिखूं उम्र कैद को किसमें बदलना, उम्र कैद को 10 वर्ष के कारावास में बदलना। ये क्या होता है कि मान के चलिए किसी को उम्र कैद दिया गया था कि पूरे उम्र जेल में रहना है, ठीक है ना, तो उसका क्या किया कि उसके अच्छे कार्यों को या पूरा जो भी है पूरे डिटेल वेरीफाई करके राष्ट्रपति ने क्या किया उसके उम्र कैद को यानी उसकी सजा को क्या कर दिया, थोड़ा सा उनके सजा का जो क्वांटिटी था उसे थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, कहा कि ठीक है नहीं 10 वर्ष ही इसको रखा जाए, इसने अच्छे कार्य किए हैं या कुछ भी बढ़िया किया तो इसके सजा को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ये तीसरा होता है क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास। चौथा क्या होता है, रेस्पाइट या विराम, इसका मतलब क्या, प्रोवाइड लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड, इसका मतलब क्या है समझिएगा कि विशेष परिस्थितियों को देखकर, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे, विशेष परिस्थिति को देखकर सजा की मात्रा कम करना, विशेष परिस्थिति को देखकर सजा की मात्रा कम करना या विशेष आधार को देखते हुए सजा की मात्रा कम करना, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, कोई प्रेगनेंसी है, कोई महिला मान के चलिए प्रेग्नेंट, कोई ओल्ड एज वाले पर्सन है मान के चलिए कोई सीनियर सिटीजन है काफी बीमार है, ठीक है, कोई मान के चलिए हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो उसकी विशेष परिस्थिति को देखकर क्या करना, उसकी सजा को थोड़ा कम कर देना। मान के चलिए कोई अंधा व्यक्ति है ना, कोई ब्लाइंड पर्सन है, अंधा व्यक्ति है, उसकी विशेष परिस्थिति को देखकर क्या करना, उसकी सजा को कम कर देना, वो भी किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में, और वो राष्ट्रपति अगर ऐसा करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पाइट कहते हैं या उसे विराम कहते हैं। एंड रिप्राइव का मतलब क्या होता है, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस,
इसका अर्थ क्या है, डिले एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सजा के क्रियान्वयन में देरी करना, सजा के क्रियान्वयन में देरी करना, सजा के क्रियान्वयन में क्या करना, देरी करना, ये भी आप याद रखेंगे। मान इसका मतलब क्या है समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई सजा सुना दी गई है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं, मान के चलिए किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है बट उसका एग्जीक्यूशन में डिले किया जा रहा है, नहीं अभी नहीं देना है फांसी, कुछ दिन रुक जाओ, एक साल रुक जाओ, फिर दो साल, फिर तीन साल, फिर पांच साल, ऐसे उसके एग्जीक्यूशन को क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रविलंबन, या उसे क्या कहा जाता है, रिप्राइव कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की क्षमादान शक्ति, देयर इज फाइव टाइप ऑफ पावर टू ग्रैंड पार्डन, सबसे पहला पार्डन, दूसरा कॉम्यूट, तीसरा रेमिशन, चौथा रेस्पाइट और पांचवा रिप्रीव। इस पांचों का क्या अर्थ होता है, तो हम लोगों ने समझा कि इसमें कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, इसमें नेचर को बदल दिया जाता है, इसमें क्वांटिटी को कम करते हैं, इसमें स्पेशल ग्राउंड को देखकर क्वांटिटी को कम किया जाता है, जबकि उसमें क्या किया जाता है, एग्जीक्यूशन में डिले किया जाता है। और ये सारी शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, दैट इज वाई आर्टिकल 72, ठीक। ये सेकंड था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चित्र ले लेंगे, बाकी हम लोग चर्चा करते हैं इसके आगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा ऑर्डिनेंस पावर की। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये शांतिकालीन शक्ति में दूसरी शक्ति देखी हम लोगों ने, और शांतिकालीन शक्ति के अंदर हम लोग तीसरी शक्ति की बात करेंगे। थर्ड पावर जो है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर यानी जिसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है, याद रखिएगा आर्टिकल 123, यानी कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। नाउ अब आपको ये समझना है कि ये जो है आखिर कितना, ये जो है आखिर क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है, समझिएगा दोस्तों। जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। जैसे कोई भी कानून बनता है हमारे देश के अंदर, जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसके लिए क्या है, नियम क्या है कि उस एक्ट को संसद से पहले, संसद के जो दोनों सदन है उससे पारित किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो कानून में परिवर्तित हो जाता है। बट मान लीजिए इन एनी कंडीशन, अगर कोई ऐसी स्थिति हो जबकि दोनों ही सदन, यानी कि उच्च सदन निम्न सदन नहीं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही सेशन में ना हो, यानी सत्र में ना हो, कानून बनाने के लिए दोनों का सत्र में होना आवश्यक है क्योंकि बिल जो पास कराया जाएगा वो उन्हीं दोनों सदनों से कराया जाएगा और बिल पास कराने के लिए सत्र का भी होना आवश्यक है। सत्र की अगर हम लोग चर्चा करें, हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है कि सत्र जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और विंटर सत्र होता है, यानी कि बजट सत्र, मानसून सेशन और एक होता है शीतकालीन सत्र, है ना। और जो दो सत्र के बीच में अधिकतम जो गैप होना चाहिए ये भी आप लोगों को पता है, वो कितने दिनों का होना चाहिए, देयर इज ऑफ 6 मंथ का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है, इन सभी चीजों की आपके, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि कोई भी सत्र ना चल रहा हो इसमें, है ना, यानी कि कोई भी जो सदन है वो सत्र में ना हो, या फिर दोनों में से एक भी सदन अगर सत्र में ना हो, और अगर किसी भी कानून को, मान के चलिए देश के अंदर ऐसा कोई स्थिति आ गया कि कानून को बनाना अनिवार्य हो, कोई एक कानून बनाना जरूरी हो, तो उस समय राष्ट्रपति को क्या दी गई है, एक शक्ति दी गई है। ये जैसे मान के चलिए लोकसभा है, राज्यसभा है और यहां पर राष्ट्रपति। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बिल लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी तो क्या बना, कानून बना, बस। बट इन दिस कंडीशन मान के चलिए अगर ये दोनों ही, ये दोनों या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई एक सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्रपति को टेम्पररी लॉ
यानी कि अस्थाई कानून, इसे क्या बोलते हैं, अस्थाई कानून बनाने की शक्ति दी गई है, बनाने की शक्ति दी गई है, और इसी शक्ति को क्या कहते हैं, दिस पावर इज कॉल्ड, इसी पावर को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंस पावर, और इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस कहा जाता है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है। लेकिन यहां पर टेम्पररी लॉ मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने, टेम्पररी लॉ, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ये कुछ ना कुछ टेम्पररी ही होगा, परमानेंट नहीं होगा, यानी इसकी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होगी। याद रखेंगे इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, नॉर्मल वैलिडिटी याद रखेंगे, इसकी जो वैधता होती है, जिस दिन भी ये लागू हुआ है उसका जो अगला जो संसद का सत्र चालू होगा, याद रखेंगे सत्र चालू होने के, यानी संसद के सत्र चालू होने के, स्टार्ट होने के सिक्स वीक तक, जैसे समझिएगा कि कोई भी यहां पर जून में सत्र समाप्त हुआ और मान लेते हैं कि जुलाई में क्या हुआ, ऐसा स्थिति देश के अंदर बन गया कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहां पर राष्ट्रपति जुलाई में अगर मान के चलिए राष्ट्रपति ने क्या किया है, अध्यादेश जारी किया है, इस अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होगी, याद रखेंगे जैसे मान के चलिए अगस्त में अगला, या मान के चलिए सितंबर में मान के चलिए अगला सत्र शुरू हो रहा है संसद का, जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, मान के चलिए 1 जुलाई को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करा था और 1 सितंबर को संसद का सत्र चालू हुआ, इस 1 सितंबर से लेकर 6 वीक तक, इस 1 सितंबर के 6 वीक तक क्या होगा, इस अध्यादेश की वैलिडिटी रहेगी। अगर इस दौरान, याद रखिएगा इस पॉइंट को, पहले आप इसे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं फिर से इसे समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर इस दौरान, याद रखेंगे इस संसद के सत्र के चालू होने के 6 वीक के अंदर, याद रखिएगा, अगर संसद के सत्र चालू होने के, यानी स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर इसे संसद से पारित कर लिया जाता है, संसद से पारित यानी पास कर लिया जाता है, संसद से पारित कर लिया जाता है, तो यह एक क्या बन जाएगा, तो यह एक परमानेंट एक्ट बन जाएगा, यानी कि यह एक अस्थाई कानून बन जाएगा, परमानेंट एक्ट बन जाएगा, अन्यथा अगर नहीं पास हुआ, अन्यथा रद्द हो जाएगा, यानी कि अन्यथा अगर पास नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। कई बार दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी पूछी जाती है कि संसद जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश होता है, उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है, याद रखिएगा दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठना चाहिए कि ये 6 मंथ प्लस 6 वीक सर क्यों, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये पता है कि संसद के 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि 2 सेशन के बीच जो मैक्सिमम गैप होता है वो कितना होता है, 6 मंथ होता है मैक्सिमम गैप, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी जो आपातकालीन सत्र राष्ट्रपति कभी भी बुला सकते हैं, है ना, लेकिन जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर, जैसे 1 सेशन हुआ तो उसके 6 मंथ के बाद दूसरा सेशन होना अनिवार्य है। मान के चलिए 1 सेशन हुआ हमारा, मार्च में हुआ 1 सेशन, और मार्च के समाप्त होते ही 31 मार्च को फिनिश हुआ, 1 अप्रैल को ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, और मैक्सिमम यहां पर याद मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर में जाकर दूसरा सेशन आता है, इसके बीच में कोई सेशन ही नहीं हुआ, ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है अप्रैल भी चलेगा, मई भी चलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा, और इसके बाद सितंबर के बाद जो अक्टूबर, यहां पर अक्टूबर की बात करेंगे, अक्टूबर में जब सत्र आएगा इसके 6 वीक तक भी इसकी वैलिडिटी होगी। इसलिए हम लोग यहां पर कहते हैं जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है कितनी, याद रखेंगे 6 मंथ और 6 वीक, यानी 6 माह प्लस 6 सप्ताह उसकी अधिकतम वैलिडिटी होती है।
तो ये हमारा ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश था। तो राष्ट्रपति के आज जो शांतिकालीन शक्तियां थी उसकी हम लोगों ने चर्चा करी। अगली क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल, व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी, व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस कंडीशन में ये लगाया जाता है। फिर हम लोग आगे की चर्चा उस अगली क्लास में, हमारा जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे किस पर, हम लोग मूव करेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पर। फिर हम लोग पार्लियामेंट वगैरह की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो मतलब कोई डाउट हो अगर इसमें तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए आप लोग ऐसे